नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं रा 24। बहरोड के औद्योगिक क्षेत्र में आयकर विभाग के नए कार्यालय का भव्य उद्घाटन समारोह हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि जयपुर की प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त मीता नाम्ब्यार रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता अलवर के प्रधान आयकर आयुक्त बीके तिवारी रहे। वहीं समारोह में विशिष्ट अतिथि अलवर के आयकर आयुक्त सैयद नासिर अली भी मंच पर मौजूद थे। आयकर अधिकारी SD बैरवा ने अतिथियों का सम्मान किया। इससे पूर्व प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त मीता नाम्ब्यार का मुख्य द्वार पर कनिका और प्रतीका ने मंगल तिलक लगाकर स्वागत किया। नाम्ब्यार ने कार्यालय उद्घाटन से पहले परिसर में अशोका का एक वृक्ष भी लगाया। कार्यक्रम में अतिथियों का परी और दिशा ने स्वागत गान से उनका अभिनंदन किया। एडवोकेट हरीश अग्रवाल, अशोक अग्रवाल ने भी अतिथियों का गुलदस्ता देकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद थे। रिको के रीजनल चेयरमैन सुधीर लोहिया, अशोक अग्रवाल, सुभाष अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में उद्योगपति और व्यापारी शरीक हुए। वहीं कार्यक्रम में प्रमोद अग्रवाल ने सफल मंच संचालन किया। उनके इस योगदान पर उनको भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। हमारा जो ये नया आयकर भवन आज हमने बहरोड पे खुला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका क्षेत्राधिकार काफ़ी बड़ा है। ये बहरोड, नीमराना, मुंडावर, खानसूर, कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा तहसीलें हैं इसके अंदर, और इसमें जो है 1,65,000 से ज़्यादा पैन धारक हैं। और पिछले साल हमारे पास लगभग 35,000 आयकर विवरणी आई हैं, जो कि ऑलमोस्ट 7,000 बढ़ के आई हैं। तो यानी एक तरह से देखा जाए तो 1/7 का एडिशन ज़्यादा और हुआ गया, जो कि काफ़ी प्रशंसनीय है। बजट कलेक्शन में हम लोगों ने 4,62,000 करोड़ जो है इकट्ठा करा, वो भी ऑलमोस्ट 2 करोड़ बढ़कर आया है। राजस्थान शिक्षक महासंघ NPS हटाओ संघर्ष समिति अलवर द्वारा सोमवार को उपखंड अधिकारी की अनुपस्थिति में कर्मचारी को मुख्यमंत्री के नाम वर्ष 2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी नियमित पेंशन योजना दिए जाने के क्रम में ज्ञापन सौंपा। 2004 के पश्चात जो भी कर्मचारी लगे हैं उनको नवीन पेंशन योजना का जो एक प्रारूप दिया है, जो मिल रही है, वो सभी कर्मचारियों के हित में नहीं है। इसलिए सभी कर्मचारी मिलकर के ये मांग रख रहे हैं कि हमें पुरानी पेंशन लागू की जाए ताकि सभी कर्मचारियों का हित हो सके। आने वाले समय में ये शेयर मार्केट के ऊपर आधारित है, इसलिए सभी कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। एक दिन में 6,000 रुपये कम होते जा रहे हैं पेंशन से, क्योंकि सब सारे चाहे वो SBI में लगे हों, चाहे UIT में लगे हों, इन हर जगह यहाँ पर नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये सारे कंपनियों के ऊपर पेंशन का जो अंशदान जा रहा है। इसलिए हम SDM साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाहते हैं कि वो कर्मचारियों की जो ये मेन मुख्य मांग है कि पुरानी पेंशन लागू की जाए, उसके लिए सभी कर्मचारियों का हित रहेगा और पुरानी पेंशन लागू करने का निर्णय किया गया। बहरोड विधायक और श्रम व नियोजन मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर में अनेक विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस दौरान श्रम मंत्री का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर जसवंत यादव ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को निःशुल्क गैस सिलेंडर व गैस किट वितरित किए। जैनपुरवास गाँव में न्याय आपके द्वार कार्यक्रम में भी डॉक्टर जसवंत यादव पहुँचे और ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हुए। श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण करें। कार्यक्रम में बहरोड SDM विकास राज पुरोहित भी मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के जन्मदिन के अवसर पर निशुल्क मेडिकल जांच शिविर का आयोजन 12 जून को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक बालिका विद्यालय मांडन में लगेगा। यह जानकारी देते हुए पूर्व प्रधान व कांग्रेस नेत्री सुमन यादव ने बताया कि हृदय रोग, कैंसर, हड्डी एवं अन्य रोगों की जाँच विश्व स्तरीय चिकित्सकों की देखरेख में आर्टेमिस अस्पताल गुरुग्राम द्वारा होगा।
राठ क्षेत्र की दिव्यांग डांसर मोनिका भारती का रियलिटी शो में मेगा राउंड पार करने के बाद मुंबई से बहरोड लौटने पर क्षेत्र के लोगों व परिजनों ने बैंड बाजों के साथ फूल मालाओं से स्वागत किया। इस डांसर का कार्यक्रम 2 जून से कलर्स चैनल पर डांस दीवाने प्रोग्राम में दिखाया जा रहा है, जिसका प्रोमो हीरोइन माधुरी दीक्षित के साथ शूट किया गया था। डांसर मोनिका भारती आंखों से अंधी है, जिसको हल्का पुल्का दिखाई देता है। उसके बाद भी मेहनत व लगन से पिछले दिनों टीवी राउंड, कोरियोग्राफी राउंड के 3 डांस क्लियर किए और हाल ही में मेगा राउंड में पार्टिसिपेट करने के बाद मुंबई से 15 दिन के लिए लौटी हैं। उसके बाद अगली शूटिंग के लिए वापस मुंबई जाना। मुझे बहुत अच्छा लगा मुंबई से यहाँ आके, क्योंकि एक महीना हो गया मुझे वहाँ रहते रहते। यहाँ आई तो राठ क्षेत्र के सभी लोगों ने और घर वालों ने मेरा वेलकम किया और मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, तो मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरा इस तरीके से वेलकम किया, मुझे घर लेके आए इतने अच्छे तरीके से। और मुंबई में मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला, वहाँ रियलिटी शो में मेरा सिलेक्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रही हूँ और मेरा सपना भी था कि मैं उस सेट के ऊपर डांस करूँ रियलिटी शो में, जहाँ मुझे पूरी दुनिया देखे। यही चीज़ मैं हमेशा से चाहती थी, वो चीज़ आज पूरी होती दिखी तो अच्छा लगा। और वहाँ पे मेरा प्रोमो शूट हुआ था पहले माधुरी जी के साथ 2 मई को, उसके बाद मेरा टीवी राउंड हुआ 20 तारीख को मेरा टीवी राउंड भी क्लियर हो गया। उसके बाद मेरा कोरियोग्राफी राउंड हुआ, कोरियोग्राफी राउंड में हमने 3 परफॉर्मेंस की थी और वो तीनों परफॉर्मेंस भी मेरी बेस्ट रही, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ और मेगा राउंड हुआ। मेगा राउंड के रिजल्ट्स अभी बचे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं अपने राठ क्षेत्र के सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने मोनिका भारती का यहाँ पहुँचने पर इतना शानदार स्वागत किया। शायद हम इस चीज़ को सोच भी नहीं सकते थे। और साथ में मैं सभी मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद देता हूँ सभी को। बहरोड में भारतीय किसान संघ द्वारा क्षेत्र में औद्योगिक इकाई द्वारा प्रदूषित हवाओं के कारण कपास की फसल में खराबे को लेकर वैज्ञानिकों को बुलाकर फसलें दिखाई। इस मौके पर किसान संघ के अध्यक्ष राजेंद्र यादव सहित अनेक किसान मौके पर मौजूद थे। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे राठ 24। नमस्कार।